दोस्तों सब्सक्राइब करें ड्राइविंग हब चैनल को और देखें नए वीडियोस अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं ड्राइविंग हब। आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बजाज क्यूट के बारे में, जिसको RE60 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये एक CNG क्वाड्री साइकिल है, इसे हम कार नहीं बोल सकते। इसमें एक CNG ऑटो रिक्शा और एक कार दोनों के गुण हैं, इसलिए बजाज ने इसे एक कार का नाम नहीं दिया है, उसे क्वाड्री साइकिल कहा है। दोस्तों बजाज क्यूट के फीचर्स कौन से हैं, उसकी प्राइस क्या है और वो कब तक लॉन्च होने वाली है, ये सब जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। दोस्तों बजाज क्यूट के फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको 216 सीसी का इंजन मिलता है, जिसमें आपको CNG या तो फिर LPG का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाती है। इसमें 5-स्पीड सिक्वेंशियल गियर्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक मोटरसाइकिल में दिए हुए होते हैं, और एक रिवर्स गियर दिया हुआ है, और साथ ही इसका गियर बॉक्स कार के डैश पर दिया हुआ है। दोस्तों ये व्हीकल काफ़ी लाइट वेट है, इसका वेट 450 kg से भी कम है, जिसकी वजह से बजाज क्लेम करता है कि आपको इसकी माइलेज 36 किलोमीटर पर लीटर की मिल जाएगी। ये व्हीकल 4-सीटर है, यानी कि एक ड्राइवर और 3 पैसेंजर की जगह दी हुई है। आपको इसमें हेलोजन हेडलाइट्स मिल जाती है, बड़ा विंडस्क्रीन दिया हुआ है जिसमें वाइपर विथ वॉशर दिया हुआ है। इसमें ब्राइट और स्टाइलिश टेल लाइट्स दिए हुए हैं, और इसके शॉक एब्जॉर्बर की बात करें तो इसमें टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स दिए हुए हैं। अभी इसमें सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ड्राइवर और पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट दिए हुए हैं, और एक कार के जैसे डोर्स दिए हुए हैं। इसमें ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं और रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है। इसके अंदर स्पेस की बात करें तो इसमें बहुत अच्छा लेगरूम स्पेस दिया हुआ है, और इसकी जो पीछे की सीट है वो 60-40 स्प्लिटेबल है। इसमें आपको एलॉय व्हील्स और स्टील व्हील्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। अभी दोस्तों बजाज क्यूट की प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस 60,000 तो बिल्कुल नहीं है, इसकी प्राइस अराउंड 1,25,000 तक रहेगी। जो लोग बोल रहे हैं कि 60,000 में बजाज ने एक गाड़ी निकाली हुई है, तो वो सिर्फ एक रूमर है। बजाज ने ये व्हीकल सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए निकाला हुआ है, यानी कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए निकाला हुआ है। आप इसे पर्सनल व्हीकल के जैसे यूज़ नहीं कर सकते हो, इसमें आप सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल की पासिंग करा सकते हो। और बजाज क्लेम करता है कि ये व्हीकल कार से भी ज़्यादा सेफ है। बजाज का कहना है कि कार का वेट ज़्यादा होता है और उसके इंजन में पावर भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कार का मोटरसाइकिल या पेडेस्ट्रियंस के साथ एक्सीडेंट होता है तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ऐसे में बजाज क्यूट जो कि लाइट वेट है और उसकी स्पीड भी कम है, तो थर्ड पार्टी डैमेज बहुत कम होता है, यानी कि ये व्हीकल चलाने वाले के लिए भी सुरक्षित है और साथ ही रोड पर चलने वाले मोटरसाइकिल्स, बाइसिकल्स और पेडेस्ट्रियंस के लिए भी सेफ है। दोस्तों अभी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट बजाज क्यूट को इंडिया में लॉन्च करने के लिए परमिशन नहीं दे रही है। इसके पीछे रीजन ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि ये ना तो एक ऑटो रिक्शा है ना तो एक कार है, और बजाज इसे क्वाड्री साइकिल का नाम दे रहा है। तो इसे कौन सी कैटेगरी में रख के पासिंग करें, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि क्वाड्री साइकिल जैसी कोई कैटेगरी नहीं होती है। दोस्तों इसी वजह से बजाज ने ऑनलाइन एक कैंपेन शुरू किया हुआ है फ्री द क्यूट के नाम से, जिसमें हमें बजाज क्यूट को वोट करना है और उसे सपोर्ट करना है। उसे हम फेसबुक या ट्विटर के जरिए वोट कर सकते हैं। जब इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तभी इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया में इसे लॉन्च करने की परमिशन देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से बजाज क्यूट इंडिया में कब तक आएगी ये तो अभी बोल नहीं सकते, पर यह व्हीकल तुर्की जैसे देशों में अभी चल रहा है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आया है, तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया में भी ये जल्दी ही लॉन्च होगा। तो दोस्तों ये थी बजाज क्यूट के बारे में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।